तो दोस्तों आखिर पे हम कांसाई नदी पे आ गए, क्योंकि ये नदी है जो पुरुलिया जाने से पहले दिख जाता है। तो इस नदी बहुत बढ़िया है, और देखने के लिए जब बारिश का टाइम होता है तो पानी बहुत ज़्यादा आती है। और इस पानी के कामकाज में जैसे कि पुरुलिया के जितने सारे लोकल टाउन है, पुरुलिया के जितने सारे लोग हैं यहाँ के, तो यही से पानी जाती है। और यहाँ का पानी का सोर्स है, बहुत दूर से आती है, तो ये नदी हमेशा पानी रहता है। तो नीचे नामते हैं और दिखाते हैं और भी कुछ। आने वाले हैं पुरुलिया के जितने टाउन के लोग हैं, यहाँ पे आके नहाते हैं। ठंड ठंड पानी में नहाने का मजा ही कुछ। अभी तो इतना ज्यादा पानी नहीं है अभी। तो दोस्तों देख पा रहे हो, ये है कांसाई नदी, और कांसाई नदी का पानी जो है बहुत अच्छे पानी है। और यहाँ पे हम वीडियो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि पुरुलिया के नज़दीक में है ये रिवर, और यहाँ का पानी बहुत अच्छे है। और यहाँ पे नहाने के लिए तो काम में यूज किया जाता है, पीने के लिए भी यूज किया जाता है। तो मैं जब जाता हूँ यहाँ पे, तो आज सोचा क्यों नहीं इसी जगह का वीडियो बना लेते हैं, ताकि जो भाई कांसाई नदी के बारे में जानना चाहते हैं तो उसको थोड़ा नॉलेज मिल जाए, और हमें भी थोड़ा कांसाई नदी में घूमने का और यहाँ के ठंड ठंड पानी का मज़ा ले लेते हैं। क्या बता, फिर आए आए ना ना आए तो पुरुलिया तो हमको आना पड़ेगा, क्योंकि पुरुलिया में हमारा सब कुछ है, हमारा डिस्ट्रिक्ट है पुरुलिया। तो हम लोगों को ये कांसाई नदी आना होता है तो अयोध्या 8 किलोमीटर ऐसे करके आना होता है। ठीक है दोस्त, कांसाई नदी का एक झलक देख ले पूरा। तो कांसाई नदी के बारे में और की जानना चाहते हैं तो यहाँ पे आइए और जानिए। अरे सबसे ज़्यादा